नमस्कार, हिमश्री लाइफस्टाइल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे फटे हुए दूध से पनीर किस तरह से बनाएं। अगर आपके घर में भी दूध फट गया है तो घबराए ना, उससे आप आसानी से पनीर बना सकते हैं। तो पनीर बनाने के लिए ये हमारा फटा हुआ दूध है, उसमें एक नींबू निचोड़ लें। नींबू निचोड़ने के बाद दूध को और थोड़ा गर्म कर लें। जिससे कि ये और अच्छे से फट जाए। जितने अच्छे से ये फटेगा उतना अच्छा हमारा पनीर बनेगा। तो हम इसे थोड़ा और बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसे ठंडा करके एक कपड़े में छान लेंगे। तो ये हमारा फटा हुआ दूध ठंडा हो चुका है, अब हम इसे छान लेंगे। ये हमने एक कटोरे पर इस तरह से कपड़ा लगा लिया है। अब इसमें हम धीरे धीरे ये फटा हुआ दूध डालेंगे। तो देखिए, ये हमारा पानी सारा कपड़े में निचोड़ चुका है और अभी बाकी है थोड़ा बहुत, और ये पनीर हमारा निकल आया है। इसे हम ठंडे पानी से थोड़ा और धोएंगे। और पनीर को अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये अच्छे से पनीर निचोड़ लिया है। अब हम इसे देखेंगे कि ये हमारा पनीर कैसा बना है। देखिए, तो ये देखिए, ये हमारा पनीर बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा बना है ना ये पनीर। देखिए, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। कितनी आसानी से हमने ये पनीर बनाया है, आप भी अपने घर पर आसानी से पनीर बना सकते हैं। अगर आपको भी ये पनीर बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।